Hello everyone, welcome to our channel Bannon Academy. In this video, we will going to start here complements of sets. We have already discussed about union of sets, intersection of sets and differences, symmetric differences of sets. So, यहाँ हम लोग complements of sets देखेंगे और उसका video union intersection का link जो है मैं वहाँ share कर दूँगी description box. तो जिसने भी नहीं देखा वहाँ से देखेंगे. Now, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट. वी हैव रीड अबाउट यूनिवर्सल सेट. लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ पी. ऑब्वियसली वो यूनिवर्सल सेट है और ए अब उसका पार्ट होगा तो पार्ट इज द ऑब्वियसली सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू which are not the elements of set A. means किसके बारे हो रही है complements of A. complements of A में क्या होगा कि वो सारे elements जो U के elements होंगे means universal set के members होंगे but not A. set A के members नहीं होंगे उसको हमें क्या बुलाना है complements. मैं एक छोटा सा example देती हूँ फिर clear होगा. सबसे पहले उसको denote हम लोग करते हैं universal set जो जो भी complements है उसको हम लोग denote करते हैं A dash या फिर ए कॉम्प्लीमेंट का सी यहाँ लगा लेते इस सिंबल से हम उसे डिनोट करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को. या सेट अगर बी हो तो जो भी सेट हो उसी का कॉम्प्लीमेंट निकलना है ना. तो सेट अगर बी हो तो बी का कॉम्प्लीमेंट बी एज को बी बी रेज टू सी ऐसे आप लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट का. जो भी कॉम्प्लीमेंट जो भी सेट है उसका आप डैश लगा लो या सी लगा लो तो कॉम्प्लीमेंट्स उस सेट का निकल जाएगा. अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ जैसे सपोज डेट A, A को A नहीं फर्स्ट U यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट अगर है A B C D E F. दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट एंड A इज द B D एंड F. A. What is our complements of A? Complements of A क्या है सेट का क्या बोला है कि member X is the member of U but not X does not belongs to A. X member नहीं होगा किसका A का. तो B D F जो है उसे आप छोड़ दो और universal set में उसके अलावा जो है वो आप यहाँ लिखो. तो B D F नहीं होगा उसके अलावा A C. This is our कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए. ठीक है तो वही चीज यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है. ए कॉम्प्लीमेंट को एक्स एज इट एक्स बिलोंग्स टू यू. तो देखो एक्स ए होगा ए यू में बिलोंग्स कर रहा है बिल्कुल बट ए में नहीं है. ए का मेंबर या स्मॉल ए इस कैपिटल ए का मेंबर नहीं है. तो यही चीज यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है. सी ई ए भी कैपिटल ए सेट ए का मेंबर नहीं है. अदर एग्जांपल यू U is the universal set and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. This is our universal set. And what is our set A? Set A, set of all odd numbers. 1, 3, 5, 7, 9. This is our set A. Then what is our complements of A? Complements of A is equal to इसके मेम जो सेट ए है वो तो मेंबर इसका कॉम्प्लीमेंट्स का होगा नहीं. तो 1, 3, 5, 7, 9 तो होगा नहीं. इसके अलावा जो भी यूनिवर्सल सेट में है वो सारे कॉम्प्लीमेंट्स के मेंबर हो जाएंगे. इट मीन्स सेट ऑफ इवन नंबर 2, 4, 6, 8 and 10. इसी में कहा गया है कि अगर कोई सेट U, U कोई सेट क्या है सेट ऑफ इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर यू मेरा है और सेट ए मेरा है सेट ऑफ ऑड नंबर्स देन व्हाट विल बी कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए. देन कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए क्या होगा सेट ऑफ इवन नंबर और तो होगा नहीं ये सेट ऑफ. तो यूनिवर्सल में इंटीजर में क्या और के अलावा क्या बचेगा तो इवन ही होगा.
set of even numbers. This is our complements of A. Another example. Let n is the natural number, which is our universal set. N is natural number from start 1, 2, 3, 4, 5 natural number. And n is the natural number which is our universal set, and set A. Set A is our 2, 4, 6, 8. This is our even set. Set of even number. Then what will be complements of A? Complements of A is set of odd number. Odd number 1, 3, 5, 7. जो भी होगा odd number जहां तक इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? A complements of A set A, और A universal set. Universal set है. यूनिवर्सल सेट. ठीक है, तो इस तरह हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स में क्या होगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि x belongs to u but x does not belongs to a. कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ a के जो मेंबर होंगे वो सेट a के मेंबर नहीं होंगे बट यूनिवर्सल सेट के मेंबर जरूर होंगे. तो ये मेरा क्या था, एग्जाम्पल इसका था. तो अब इससे रिलेटेड कुछ लॉ है जो कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ लॉ है, उसको हम लोग देखेंगे. जैसे कि ये यूनियन A union A complement. A क्या मुझे मिलेगा? U universal set. कैसे मिलेगा? देख लो यहीं पर. अगर मैं इसे ले लूँ, यहाँ पे लिया ना A. A मेरा क्या है? 2, 4, 6, 8. ठीक है. अगर मैं इसको अगर fix कर दूँ, मैं ले लेती हूँ. अब universal set को U को fix कर दो 1, 2, 3, 10 तक. यूनिवर्सल सेट में 10 तक है. और ए मेरा क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑड नंबर. तो ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9. और ए कॉम्प्लीमेंट मुझे अवर सेट ऑफ इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10 कॉम्प्लीमेंट. ओके, देन वी हैव टू फाइंड हियर A union A complements. A union A complements. तो union में हमें पता है, union में क्या होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स हमें यहाँ पे लिखने होते हैं. दोनों सेट्स के जो कॉमन जो होगा उसे सिंगल डैश. बट यहाँ बोथ आर डिफरेंसेस, सो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ है ही नहीं. तो ये union A डैश, तो इसका क्या हो जाएगा एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 दोनों के एलिमेंट्स आएंगे. और 10 तक मैं ऐसे ही लिख देती हूँ. 10 तक दोनों के एलिमेंट्स आ गए. इट मींस आप क्या देख रहे हो, 1 से लेकर 10 तक, व्हिच इज आवर यूनिवर्सल सेट U. ये हमें क्या मिल गया? U. तो क्या करने पर, ये यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट अगर हमने फाइंड किया तो वी विल गेट यूनिवर्सल सेट U. व्हिच इज ये लॉ बोल रहा है, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट वी विल गेट यूनिवर्सल सेट. एंड A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, अगर हमें यहाँ इंटरसेक्शन अगर करना है तो इंटरसेक्शन क्या होगा? A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट. इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स यहाँ लिखते हैं बट नो सिंगल एलिमेंट इज कॉमन. तो क्या है, यहाँ पर दोनों डिफरेंट है, दोनों सेट से डिफरेंट है. सिंगल एलिमेंट कोई भी एलिमेंट है ही नहीं जो कॉमन आएगा. दैट्स व्हाई ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5. ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5. और यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल पूरा यूनिवर्स है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? नथिंग. तो 5. और जब फाइव का कॉम्प्लीमेंट सब कुछ आ जाएगा यूनिवर्सल यू. फाइव का यू का यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, इट इज 5. एंड एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट. और नाउ हियर इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो जो सेट ए होगा वही हमें मिलेगा. कैसे? यहाँ देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हमने क्या फाइंड करा, 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ का. और इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट अगर हम फाइंड करें, ये कॉम्प्लीमेंट है, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट अगर कर ले तो क्या मुझे मिलेगा? अब इसका अपोजिट मिल जाएगा ना 2, 4, 6, 8. इसका ये इवन नंबर है, इवन नंबर इसका अपोजिट क्या हो गया? ऑड नंबर. ऑड मेरा 1, 3, 5, 7, 9.
और नंबर है विच इज आवर सेट ए, दिस सेट इज आवर सेट ए, यही सेट ए ही आया, अगर दो बार कॉम्प्लीमेंट किया तो सेट ए आया, दैट्स व्हाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, मेरा ये हो गया। नाउ नेक्स्ट दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन, अगर ए यूनियन बी है और होल का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट पहले ए पर आएगा और यूनियन विल बी चेंज इन इंटरसेक्शन एंड बी कॉम्प्लीमेंट, बस यही ध्यान रखना है इसमें, यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होगा एंड इंटरसेक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू यूनियन, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन चेंज होगा यूनियन में बी कॉम्प्लीमेंट, डबल डी मॉर्गन्स लॉ। अगर आप कोई सेट ले रहे हो एग्जाम्पल लोगे तो आप पहले ए यूनियन बी करके उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो और फिर ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, फिर इंटरसेक्शन करके फिर बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का इंटरसेक्शन कर दो, तो दोनों जो सेट होगा वो मेरा क्या होगा, सेम सिमिलर सेट होगा, कोई अलग नहीं होगा, तो बोथ आर सिमिलर सेट। तो ये जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं बता दूंगी, तो अभी फिलहाल के लिए जानने के लिए क्या है, ये इसका रूल है यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज होगा और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज होगा और दोनों पे अलग से कॉम्प्लीमेंट्स लग जाएंगे। तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ लॉ था। नेक्स्ट हम लोग वेन डायग्राम पर जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।